أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مقابلہ حسن نعت کے ساتھ میری ٹرانسمیشن یعنی آپ کے میزبان سید سلمان گل کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ حسن نعت
जी हाँ नाजरीन इकराम, मुकाबला हुस्न नात जो कि पहुंच चुका है आठवें मरहले में और आठवां सिलेक्शन राउंड और आठवीं आवाज़ का आज होगा इंतखाब। आप रोज़ाना जिस मोहब्बत से हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, मैं उस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा इदारा अपने नाजरीन पे नाज करता है। आलम इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह आरवाई क्यू टी वी के ज़रिए ये नंबर वन ट्रांसमिशन है जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, जिसमें सिर्फ कुरान और हदीस की बात है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो बात है जो कि रमज़ान की सही स्पिरिट है, जो कि रमज़ान की असल शक्ल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम इस बात पे भी फख्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस इदारे का हिस्सा बनाया और आपको और हम सब को इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रमज़ानुल मुबारक में यकजा होने का मौका मुयस्सर फरमाया। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि रोज़ाना एक आवाज़ का इंतखाब, अब दो दिन मज़ीद बाकी हैं कि जिसके बाद सेमीफाइनल राउंड में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले सनाखानों के माबेन होगा मुकाबला। ये बच्चे बच्चियाँ आपस में मुकाबले के बाद ये तय कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा बच्चा फतह का सहर आपने सर लेके जाएगा। नाज़रीन इकराम, हज़्ब रिवायत हमारे जजेस मौजूद हैं और सबसे पहले प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज भी आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी तिलावत फरमाई आपने। अल्लाह ताला आपका सलामत रखे हमारे सरों पर। दूसरी नशिस्त पर नाज़रीन इकराम एक मरतबा फिर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी एक मरतबा आप इससे कबल भी तशरीफ लाए थे और आपने बच्चों की सरपरस्ती फरमाई थी, और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं अलहाज सैयद खालिद हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन इकराम तीसरी नशिस्त पर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और इन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देने में जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आसानी मुहैया करने वाली शख्सियत हैं वो हैं भाई क़िबला मोहम्मद आमिर फयाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है। आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तीनों जजेस अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ यहाँ बतौर मुनसिफ बैठे हुए हैं बल्कि आज ख़ुद भी एक माहिर और बेहतरीन सनाखान रसूल हैं और अपना लोहा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इस्लाम में मनवा चुके हैं, इसीलिए इन बच्चों की तरबियत भी हो रही है और सरपरस्ती भी हो रही है। एक बच्चा हमारे से तीन बच्ची दो बच्चियाँ हैं सॉरी और एक बच्चा है। लारेब सुल्तान उम्र है 14 साल, कराची से इनका ताल्लुक है, अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है। दूसरा बच्चा है अहमद रज़ा कादरी 14 बरस, इनकी भी उम्र है, कराची से इनका ताल्लुक है, ये दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। तीसरी बच्ची है महनूर खान 13 बरस, इसकी उम्र है और ये बच्ची हैदराबाद से आई हुई है। लारेब सुल्तान जिनकी उम्र 14 साल है, बेटा आइए रोस्टम पर जल्दी से आइए माइक लेकर। लारेब सुल्तान आज अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करेंगी, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। बिस्मिल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे में
क्या बात है बेटा लारे, बहुत खूबसूरत अंदाज में, और इंतखाब कलाम भी वही जो मैं कल आपसे कह रहा था कि मुकाबले का इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह वही धुन इस बच्ची ने चुनी। अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रंग लाती है। अब मगर एक लफ्ज़ की गलती ये बच्ची कर गई, यकीनन पूरी दुनिया सुन रही है कि ये आलम व आबो खाक नहीं, आलम आबो खाक है, और ये इस गलती को यकीनन मेरे मुनसिफिन भी महसूस कर चुके हैं। इसी कलाम में इकबाल ने कहा था कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाब जस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिराब। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, मुकाबला हुस्ने नात आठवां रोज़ा और आठवें सिलेक्शन राउंड में पहुंच गया हमारा मुकाबला। सैकड़ों बच्चों को इस दौड़ में पीछे छोड़कर आने वाले ये बच्चे यकीनन मुकाबले के लिए शुरू से तैयार थे, और आज भी पहली परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। लफ्जी गलतियाँ डेफिनेटली, इंसान खता का पुतला है, और खता के सामने यारब अता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। कारी साहब इरशाद फरमाइए। लारेब के लिए मैं कहूँगा कि कलाम का इंतखाब इन्होंने बहुत अच्छा किया जी, और इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मुझे अच्छी लगी इनकी आवाज़। अदायगी में थोड़ा सा, अदायगी में काफ़ी ये कमज़ोर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद वजूद नहीं वजूद, वजूद है बिल्कुल वजूद, बिल्कुल ठीक। दूसरे आलम व आबो खाब नहीं, आलम आबो खाक, ठीक है बिल्कुल ठीक, आलम आबो खाक। उसके बाद फिर एक जगह और मुझे हुआ कि जर्रा रेग, ये हाँ। रेग कह रही थी, रेग है, रेग है, रेग आपने है। क्या पढ़ा बेटा? रेग पढ़ा ना, रेग है, रेग रेग है, रेगिस्तान से रेग होता है, गाफ है, गाफ गाफ के साथ रेग, गाफ भी कह रहे हैं, रेगिस्तान से रेग होता है ना, रेग जर्रा रेग, रेगिस्तान के जर्रे, जर्रा रेग को। अच्छा, इनके जो अंदाज था कहने का वो था जर्रा रेग को दिया, यानी दिया नहीं दिया, हाँ, थोड़ा ठीक है तलफ़ुज़ में, हाँ थोड़ा जोर रही, जर्रा रेग को दिया, ठीक है बेटा, तो इन पे ध्यान करो तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छी नातखा बन सकती हो। बिल्कुल ठीक हो गया। सैयद खालिद हुसैन शाह साहब की राय क्या है? कारी साहब ने तफसील से हर चीज़ यानी खोल के बयान कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ ज़रा इनकी तायद कर रहा हूँ जी, आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा पढ़ रही थी, और तलफ़ुज़ में थोड़ी सी गलती है तो वो ठीक कर लेंगी तो बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत पढ़ सकती हैं। ठीक है, आमिर फयाजी भाई, माशाल्लाह बच्ची तैयार तो है मुकाबले के लिए भरपूर, लेकिन वही अदायगी के हवाले से आपकी क्या राय है? अदायगी मसला ये है कि बच्ची ने कलाम का इंतखाब बड़ा मुश्किल, ये कलाम हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम है। अच्छा, इसको हर आम आदमी आम नातखा नहीं पढ़ सकता और ना ही समझ सकता, और इसमें फारसी के भी लफ्ज़ हैं। बिल्कुल सही, तो बहरहाल इस बच्ची ने कोशिश बहुत अच्छी करी, और जहाँ तक इसके तरन्नुम की बात है, तरन्नुम इसका बहुत अच्छा है, पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है, कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था। अदायगी में जिस तरह से कारी साहब ने निशानदही की, वो चंद गलतियाँ हैं, अगर ये उसको दुरुस्त कर ले, एक प्रॉपर माशाल्लाह नातखा है माशाल्लाह। अभी जो सुनने में मैंने महसूस किया जी, इसके पढ़ने में फीलिंग भी है, बिल्कुल ठीक है, बच्ची अच्छी पढ़ ली थी, कैफियत के साथ पढ़ रही थी, बिल्कुल ठीक। हमारे लिए अदायगी को थोड़ा मद्देनजर रखे और अच्छा पढ़ेगी इंशाल्लाह। हाँ, और बेटा ये बात याद रखना, ये जो अंकल हैं अभी इरशाद फरमा रहे हैं आमिर फयाज साहब, ये आप ही लोगों, आप ही जैसे बच्चों को बरसा बरस से अल्हम्दुलिल्लाह डील कर रहे हैं, आप अच्छे पढ़ने वाले बाद में एआरवी क्यूटीवी की शान बनते हैं, और ये हमारे यही अंकल हैं आपके जो आप लोगों का इंतखाब करते हैं, तो आज आप मुंतखब होकर यहाँ पहुँचे हो, ये बहुत बड़ा नादिर मौका है आपके लिए। अब देखते हैं आप में से कौन सी आवाज़ आगे सफ़र में बढ़ती है। लारेब सुल्तान के बाद बारी है अहमद रज़ा कादरी की, ये दूसरा कंटेस्टेंट आठवें सलेक्शन राउंड का, आज क्या कमाल दिखाता है या आज की इसकी परफॉर्मेंस फैसला करती है। आए बेटा जल्दी से रोस्टम पर आ जाएँ, जल्दी से भागते हुए आ जाएँ, वक्त कम है। बिस्मिल्लाह, ये कलाम पेश कर रहे हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। बिस्मिल्लाह, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका से खुदाया हुजूर
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। ओएस रज़ा कादरी साहब का लिखा हुआ कलाम तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। इसमें एक शेर है जो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात मकाम फ़ातिमा जहरा हुजूर जानते हैं। कारी वही ज़बर कासमी साहब फरमाइएगा। अहमद रज़ा के लिए मैं ये कहूँगा कि कलाम का इंतखाब ठीक है इनका, ठीक है, और तरन्नुम जो है इनका जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन उसका इन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया, यूटिलाइज नहीं कर पाया वो कल, सही नहीं कर पाए, और अदायगी में भी थोड़ा सा इनका अभी कमज़ोरी है, ठीक है, लेकिन यह कि जो पढ़ने का अंदाज़ है उसमें मुझे कोई फीलिंग नज़र नहीं आई, इन्होंने सीधा सीधा पढ़ा है, ठीक है, उसमें मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल, और कोई मेरे दिल को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। पूरी दुनिया जो है निगाहें लगाए बैठी होती है, आवाज़ इनकी अच्छी है, आपकी राय पर बिल्कुल कयास किया जाता है, पूरी दुनिया करती है। सैयद खालिद हुसैन शाह साहब की क्या राय है? सलमान भाई कलाम तो बेहतर है, अच्छा है, मगर वही कारी साहब वाली बात के आवाज़ भी अच्छी है मगर इस्तेमाल सही नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, हाँ। मज़ीद प्रैक्टिस की अदायगी भी कोई ख़ास नहीं थी, ठीक, और जैसे फरमाया कि फीलिंग्स नहीं ला पा रहे, नहीं ला पा रहे, या तो प्रैक्टिस नहीं की इन्होंने, ठीक है, या थके हुए हैं या रोज़ा लग रहा है या कुछ और मसला है, यानी मुतासिर नहीं कर सके, बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई नहीं कर सके, आमिर भाई अगर वो मतलब नहीं आया बच्चा ही ऑडिशन में बेहतर था, ऑडिशन इसने अच्छा दिया था लेकिन अच्छा। अभी आवाज़ भी इसकी खराश बहुत ज़्यादा आपने अच्छा। महसूस किया, बिल्कुल बिल्कुल खराश भी थ्रो रही इसकी आवाज़ के अंदर, इसमें सांस भी टूटा, और तुम्हारी बेटा प्रॉपर तैयारी नहीं थी, एक इंसान मुकाबले की तैयारी करके या तबीयत सही नहीं है, ऐसा ही है, रोज़ा रखा है आपने, ये है बहरहाल, चलो खैर बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, ये तो भाई मुकाबला है, जो आप यहाँ परफॉर्म करेंगे उसी पे आपको नंबर दिए जाएंगे, बिल्कुल सही फरमाया, अब आपने क्या परफॉर्मेंस दी है वो जजिस साहिबान बैठे हुए हैं, जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। आप हजरात इजाज़त दें तो मैं तीसरी बच्ची को भी इसी सेगमेंट में, जी जी महनूर खान जल्दी से आइए बेटा, बहुत कम वक्त है, दो मिनट है हमारे पास, उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी देखनी है, 13 साल उम्र हैदराबाद से आई है, इंतखाब कलाम बहुत उम्दा है लेकिन देखते हैं कि उसको उसका इजहार कितना उम्दा होता है, कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, बिस्मिल्लाह। कतरा मांगे कतरा मांगे जो कोई तूसे दरिया तमन्ना
بہت خوب قطرہ مانگے میں سیزا ماشاءاللہ بیٹا سبحان اللہ ماشاءاللہ بیٹا آئیے آئیے اپنی جگہ پہ اور اتنا خوبصورت آپ نے پڑھا ہے کہ بس میں آپ کو کیا کہوں صرف اعلیٰ حضرت کا یہ مطلع مجھے سنائی دیتا ہے ایسے پڑھنے والے بچوں پر کہ رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو ہے شہ گردوں جناب ہوں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں مقابلہ حسن نعت آٹھواں سلیکشن راؤنڈ خوش آمدید ناظرین مقابلہ حسن نعت آٹھواں روزہ آٹھواں سلیکشن راؤنڈ اور آٹھویں آواز کا آج ہونے جا رہا ہے انتخاب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی آواز آج ہمارے ساتھ اس دوڑ میں آگے بڑھ سکتی ہے سب سے پہلے پرائیڈ آف پاکستان بتائیں گے کہ مہنور خان کے لیے میں کہوں گا کہ کلام کا انتخاب انہوں نے بہت ہی اچھا کیا ہے ٹھیک ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا کہا ہوا کلام ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی جو آواز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیاری آواز ان کی اور اس پہ ان کو کمانڈ ہے کمانڈ بھی ہے کمانڈ ہے اور دوسری یہ کہ جو ادائیگی ہے اس میں تھوڑا سا مطلب جیسے مجھے لگا کہ انہوں نے ذرا توڑ کے پڑھا ہلکا سا جیسے قطرہ مانگے جو کوئی ٹھیک ہے قطرہ الگ بولا انہوں نے ویسے لیکن ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا بیٹا قطرہ مانگے جو کوئی آپ یہاں پہ آگے رکو یعنی دو تین الفاظ کی ادائیگی تو ایک ساتھ رہے نا لیکن جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے جی وہ بڑی کیا کہتے ہیں اسے بڑی کیفیت کے ساتھ بڑی تیاری اور بڑی تیاری کے ساتھ ماشاءاللہ میری دعائیں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا قاری صاحب آپ کی دعائیں اگر میرے ساتھ ہو جائیں تو میرا بھی کوئی بیڑا پار ہو جائے آپ بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں آپ کے لیے بھی دعائیں میں بھی کسی کا بچوں کا بالکل آپ کے لیے سید خالد حسین شاہ صاحب کی کیا رائے ہے مہنور خان کے حوالے سے حیدرآباد سے آئی ہوئی مہمان بچی مہنور نے مجھے آج بہت متاثر کیا ٹھیک ہے بہت خوبصورت آواز ہے اس بچی کی ٹھیک ہے اور کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا تھا ٹھیک ہے بہت معیاری کلام تھا ٹھیک ہے اور جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا سا پوز یہ دے رہی تھی تو اگر یہ ملا کے پڑھتی تو اور زیادہ اچھا ہو سکتا تھا بالکل ٹھیک ہے کیفیت بھی تھی ان کے پڑھنے میں ایک کیفیت تھی جو دل پر اثر بھی کر رہی تھی اور اس میں انوالو ہو کے یہ پڑھ رہی تھی ماشاء اللہ اور یہ ہے کہ جس طرح بچے مقابلے کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں نا وہ پراپر تیاری کر کے آئی تھی ماشاءاللہ یعنی باقاعدہ ایک مطلب ایک ٹرین بچی تھی ہاں پڑھنے کے حوالے سے ٹرین بچی تھی اور بہت اچھا پڑھائی بالکل ٹھیک ہو گیا میرے لحاظ سے تلفظ ادائیگی اور کلام کا انتخاب تینوں بہت اچھے ٹھیک ہے قاف قاف کی بھی پیچو خم نہیں تھے بالکل مناسب تلفظ تھے جی عامر فیاضی بھائی بچی کے نمبر کاٹے ہیں ہم نے لیکن وہ اس لیے کاٹے ہیں کہ بچی نے جو شروع میں آ کے کلام شروع کرنے سے پہلے دو دفعہ اس نے پوز لیا اگر وہ نہیں لیتی تو شاید اس کے یہ بھی نمبر ڈفرینس بھی اسکیل فرق پڑا بالکل بچی نے جب شروع کیا تو اس وقت اسکیل کچھ تھا
फिर जब दोबारा शुरू किया तो इसका दोबारा पढ़ने का स्केल अलग था, पर उसके नंबर बेटा आपके कटे हैं क्योंकि गलती गलती होती है। भारत बहुत अच्छा पढ़ा, हम बड़े मुतमईन हैं आपसे। अच्छा, और दूसरा, आप मुतमईन तो हैं लेकिन हम जब मुतमईन होंगे जब आप हमें कोई नात शरीफ सुनाएंगे। आज तो आमिर फयाजी भाई जी फरमाइश है कुछ, बिल्कुल आज जो है ना, आज आप अपनी तरफ से कोई बहुत पुराना सा कलाम, जो मतलब हर कलाम नया है, हुजूर के जिक्र की ताजगी तो बहरहाल है, आप जो पढ़ते हैं अजीम साहब का, क्या बात है, माशाल्लाह। और मैं आज भी आपने जो है माशाल्लाह हमारे सेट को रौनक बख्शी, अच्छे अंदाज से पढ़ा माशाल्लाह, माशाल्लाह। कारी साहब का पढ़ा हुआ कलाम और कारी साहब ने खुद कहा कि क्या अच्छे अंदाज से माशाल्लाह पेश किया। और अभी एआरवी क्यूटीवी के हमारे ऑफिशियल पेज पर एक क्लिप हमारी पिछली एक ट्रांसमिशन का लगा हुआ है जिसको अमजद साबरी साहब की याद में तोहफे के तौर पे क्लिप बना के पेश किया गया। आप arvqtv.tv विजिट कीजिए, वो कलाम ऐसब्ज गुम्बद वाले जो आमिर भाई ने दूसरे या तीसरे रोज़े को पेश किया था वो ज़रूर सुनिए, उसे शेयर भी कीजिए। अमजद भाई को तोहफे की शक्ल में हमने वो ट्रिब्यूट किया था। नाज़रीन इकराम, लारेब सुल्तान, अहमद रज़ा कादरी, मानूर खान, इन तीन बच्चों के माबैन हुआ आज मुकाबला। तो ये तीनों पढ़ने वाले बच्चे थे लेकिन अहमद रज़ा कादरी तबीयत नासाज होने की वजह से ज़रा कमज़ोर रहे। लारेब सुल्तान ने 90 में से तीनों जजेस ने 30-30-30 नंबर अपने पास लिखे हुए थे और उसमें से आउट ऑफ 30 नंबर्स तीनों ने सेपरेट सेपरेट दिए हैं और तीनों के नंबर अगर मैं मिला लूं तो 90 में से लारेब सुल्तान को मिले 67 यानी 67 नंबर्स। अहमद रज़ा कादरी जिनकी उम्र है 14 साल, इनको 90 में से मिले तीनों जजेस की जानिब से मिलाकर 42 नंबर। महनूर खान जिनकी उम्र है 13 साल,
हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और इनको 90 में से मिले 77 नंबर और इस तरह आज की विनर करार पाई हैदराबाद से आई हुई नन्ही शहजादी मानूर खान। आइए बेटा मेरे पास, ये अंकल से जरा सर पे हाथ रखवा लें, शाबाश, शाह साहब से भी रखवा लें, कारी साहब से भी सर पे हाथ रखवा लें, दस्ते शफ़क़त, आप यहाँ आओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। ये वो बच्ची है नाज़रीन किराम जो सेमीफाइनल राउंड के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई है और इस बच्ची ने आज माशाल्लाह कमालात दिखाए हैं और ये बताया है कि मैं भरपूर तैयारी के साथ आई हुई हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक सरप्राइज़ आज के प्रोग्राम में ये है कि आज सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई करने के लिए रोज़ाना की तरह एक बच्ची नहीं बल्कि दो बच्चियाँ जा रही हैं और लारेब सुल्तान भी हमारे साथ इंशाल्लाह सेमीफाइनल राउंड में होंगी। आइए बेटा, माशाल्लाह, इनके सर पे हाथ रख दें, ये कराची और हैदराबाद की दो नन्ही शहजादियां सेमीफाइनल राउंड के लिए कर गई हैं क्वालिफाई। आपने इन्हें दुआओं में याद रखना है कि ये सेमीफाइनल राउंड में मजीद तैयारी के साथ आएं और आज जो गलतियां हुई वो आगे ना हो ताकि ये अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। जाइए बेटा अपनी जगह पे बैठिए। नाज़रीन इकराम, मुकाबला है हुस्ने नात 8वें सिलेक्शन राउंड में आन खड़ा है और आज 8 आवाज़ों का नहीं बल्कि आज 9 आवाज़ों का इंतखाब हो गया है। सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, कल लास्ट सिलेक्शन राउंड है और 11वें और 12वें रोजे को सेमीफाइनल राउंड 1 राउंड 2 के बाद ये मुकाबला, जी कल सेकेंड लास्ट, अच्छा आज 8वां है, 9-10 सॉरी सेकंड लास्ट है, कल आमिर भाई ने जो है वो करेक्शन कर दी, कल सेकंड लास्ट है, परसों लास्ट है, उसके बाद 11वें रोजे को सेमीफाइनल राउंड 1, 12वें रोजे को सेमीफाइनल राउंड 2 और 13वें रोजे को होगा इन बच्चों के माँ बहन ग्रैंड फिनाले। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें अभी इस प्रोग्राम में मजीद शामिल होने वाली हैं इस मुकाबले में और उनके माँ बहन, बहुत जो है सख्त मुकाबला होगा और उनमें से इंतखाब करना भी जजेस के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि जितना मुश्किल आज आवाज़ों को सेलेक्ट करना हो रहा है क्योंकि एक से बढ़कर एक पढ़ने वाले इस मुकाबले में शरीक सफ़र हैं। नाज़रीन इकराम, मैं वक्फे पर जा रहा हूं और इस वक्फे में आप सेगमेंट देख सकेंगे हिकमत और सेहत। हकीम अब्दुल वासित साहब आज हिकमत और सेहत में क्या बता रहे हैं, आइए मैं भी देखता हूं और आप भी देखिए। मुकाबला हुस्ने नात से अपने मेज़बान और मेरे मुनसिफीन को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।